बिहार में कैबिनेट की बैठक में 7 मामलों पर मोहर लगी है। सरकार ने बाढ़ से निपटने की योजना के लिए 3 करोड़ 8 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इसके साथ ही बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के लिए हाईकोर्ट के जज हेमंत गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। रेलवे ने बिहार को एक और तोहफा दिया है। हाजीपुर बछवाड़ा रेल रूट को सिंगल से डबल लाइन किया जाएगा। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने इसका शिलान्यास हाजीपुर जंक्शन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोहरीकरण का काम मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पूरा कर लिया जाएगा। हाजीपुर सगौली रेल रूट का काम पूरा हो चुका है। अगले साल इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पटना में छात्र आरजेडी ने विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने केंद्र सरकार पर छात्र विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया। इसके विरोध में छात्रों ने राजभवन मार्च किया, लेकिन पुलिस ने छात्रों को जेपी गोलंबर के पास ही रोक लिया। इन्होंने अपनी 5 पुत्री मांगों को लेकर ये मार्च निकाला। इसके साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। बिहार में सत्तारूढ़ दल के विधायक ने अपनी ही सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर घेर लिया है। मामला भोजपुर जिले के बढ़ा से आरजेडी विधायक सरूज यादव से जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटम के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर विधायक ने अपने समर्थकों के साथ आरा पटना मेन रोड को जाम कर दिया। सरूज यादव ने कहा कि जब मेरी बहन ही इस सरकार में सुरक्षित नहीं है तो दूसरों के साथ क्या हाल होता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो आंदोलन उग्र करने और आत्मदाह करने की भी विधायक ने चेतावनी दी।